आई क्यू की भी एक लिमिट होगी, वहीं तक हम बढ़ा पाएंगे उस आई क्यू को, बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं। एक क्यू जो मेन थिंग है एडवर्सिटी और इमोशनल, ये क्या लगता है लाइफ में कितना लाइफ में हो सकता है इसका? होगा, बिल्कुल होगा, मैंने इतना ऑब्जर्व नहीं किया है, मैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बता। मेरा कहने का मतलब ये है कि ई क्यू और जो इमोशनल कॉसेंट्स है और एडवर्सिटी कॉसेंट्स है, इसको जानना कितना ज़रूरी है? इसको जानना ज़रूरी इस वजह से काफ़ी ज़रूरी है, इस वजह से है कि आपको पर्सनैलिटी पता चलती है, अपनी पर्सनैलिटी पता चलती है, कैसे आप औरों से बात करते हैं सब पता चलता है, आपका टॉलरेशन पावर कितना है, और अगर कम है ज़्यादा है और हमारे एक्टिविटी में वो है, तो मतलब हम इन बॉन्ड को जान लेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक आप उसको संभाल सकते हैं। साथ में वैक का बात हमने किया, विजुअल और किनेस्थेटिक, तो ओवरऑल आप 82-85% सेटिस्फाई हैं। हाँ जी, और आपको क्या लगता है कि ये सारे स्टूडेंट्स को मिलने चाहिए? हाँ जी, ये स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए, और थोड़ा अर्ली एज पे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, ताकि लोग उसी बच्चे उसी डायरेक्शन में काम कर सकें। अच्छा, और स्टूडेंट्स के साथ साथ क्या लगता है पेरेंट्स को भी पता होना ज़रूरी है? हाँ जी, पेरेंट्स को पता होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स का एक जेनेटिक भी होता है, तो उससे हम दोनों का रिलेट करके भी बता सकते हैं कि कुछ वेरिएशंस हैं या कुछ चीज़ें सेम हैं तो वो क्यों हैं। नहीं, पेरेंट्स और बच्चे का ब्रेन मैपिंग तो एक अलग चीज़ हो गया, आपने कहा कि ये भी होना ज़रूरी है। साथ में मैं ये चीज़ पूछ रही हूँ कि बच्चों के विषय में अगर पेरेंट्स को पता चल जाता है जी, तो ये भी और प्लस है। हाँ जी, हाँ जी, जितना जल्दी पता चल जाता है तो उनके बर्डन कम हो जाएगी। बिल्कुल, तो मतलब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और स्टूडेंट के लिए और पेरेंट्स के लिए, क्योंकि ये और भी लोग देखेंगे, पब्लिक देखेंगे, तो आप क्या देना चाहेंगे आप मैसेज? तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि और बच्चे टाइमली कराएँ, पेरेंट्स इसको टाइमली कराएँ, ताकि जो एक्स्ट्रा हम लोग कर रहे हैं वो एक्वायर तो हो ही रही हैं, वो साइड बाय साइड चलती रहें, बट जो इनबॉर्न है वो भी उसको हम और इन्हांस करें, और टाइम और मनी दोनों बचता है। अगर अर्ली एज पता चल जाता है जी, तो पेरेंट्स के पैसे बचते हैं और बच्चे का टाइम जी, दोनों मेरे ख्याल से बसता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वत्सल जी, आपने बहुत अच्छा कहा और समझा है, और मैं उम्मीद करूँगी कि जो भी हमारे समाज के बच्चे हैं उनको एक राइट डायरेक्शन मिले और वो सही समय पे अपने करियर में सक्सेस हो सके, क्योंकि हर माँ बाप ये चाहते तो है लेकिन उन्हें नहीं पता कि ऐसा कुछ है जिससे हम जान सकते हैं कि हमारे बच्चे की क्या क्वालिटी है और क्या एक्टिविटी है, उसको किस दिशा में जाना चाहिए। तो आप देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं कि कितना जल्दी पता होना ज़रूरी है, तो आप सभी करा सकते हैं अपने बच्चे का और हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।